another video guys. आज की जो हमारी unboxing होगी वो होगी एक बहुत ही अच्छे यूनिक प्रोडक्ट की. तो गाइज आज हम इस प्रोडक्ट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लूटूथ म्यूजिक एलईडी बल्ब, जो कि ब्लूटूथ से ऑपरेट होने वाला एक एलईडी बल्ब है और साथ ही साथ इसके अंदर स्पीकर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा. तो गाइज ज्यादा जानने के लिए इसके बारे में वीडियो को एंड तक देखना. मेरा नाम है जैद, आप देख रहे हैं जैद टेक. चलिए शुरू करते हैं. मैंने यहाँ पर ले लिया है एक म्यूजिक एलईडी बल्ब का एक बॉक्स. तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइड में देख लेते हैं इसके क्या क्या हमें मिल जाता है देखने के लिए. यहाँ पर हमें इसकी टोटल पावर 6 वॉट की देखने के लिए मिल जाती है और इसका जो आपको स्पीकर पावर होगा वो 3 वॉट का मिल जाएगा और एसी आप इसको 100 से लेकर 240 वॉट तक भी आप इसको चला सकते हैं. तो इसके साइड में हमें और कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलता. इसके साथ हमें एक रिमोट मिल जाता है इसके अंदर. तो चलिए इस बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं. सबसे ऊपर हमें इसके साथ हमें इसका यूज़र मैनुअल मिल जाता है. फिलहाल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है. और यहाँ पर मिल जाता है हमें रिमोट जिससे इसके कलर चेंज होंगे और अंदर मिल जाता है हमें एक एलईडी बल्ब. तो दिखने में तो नॉर्मल एलईडी बल्ब जैसा ही है, वेट भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है. और यहाँ पर हमें आगे स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग के साथ. और यहाँ पर हमें साइड में एलईडीज देखने के लिए मिल जाएंगी. तो चलिए इसे होल्डर में लगा के देख लेते हैं हम. गाइज होल्डर में लगाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर आपको कोई भी इंटरनल बैटरी नहीं मिलेगी, यानी कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ होल्डर में लगाकर ही चला सकते हैं. तो चलिए इसको होल्डर में लगाते हैं और इसको कनेक्ट कर देखते हैं. चलिए सो गाइज मेरे पास जो है यहाँ पर एक होल्डर है, तो चलिए इसमें लगा के देख लेते हैं इस एलईडी बल्ब को. जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे ऑन होने का सिग्नल इसमें मिल चुका है और मेरी डिवाइस से कनेक्ट भी हो चुका है. तो सबसे पहले इसके कलर चेंज कर देख लेते हैं. तो यहाँ पर मैं रेड का ऑप्शन, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने रेड का बल्ब दबाया, मुझे रेड कलर में मिल चुका है. यहाँ मैंने ग्रीन बटन दबाया और मुझे ग्रीन कलर में देखने के लिए मिल रहा है. तो अब मैं इसमें ब्लू दबाता हूँ. ये जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर में बदल चुका है और अब येलो का आपको कुछ सही कलर नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा अंधेरा है. वाइट कलर आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे जो कैमरे में वाइट कलर दिखाई दे रहा है. कोई बात नहीं, दूसरा कलर चेंज कर लेते हैं. यहाँ पर मैंने ये ब्लू कर दिया, यहाँ पे पिंक, ये रेड और ये भी येलो, ये येलो है. और गाइज आपको इसमें बहुत सारे और ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं. यहाँ पर वाइट का हमें ऑप्शन, वाइट तो आपने शुरू में देख लिया होगा, काफ़ी ज़्यादा अच्छी इसकी ब्राइट है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्राइट में आपको नाइट में वर्क कर जाएगा ये. तो इसको चलिए हम इसमें एक ऑप्शन हमें देखने के मिल जाता है फ्लैश का, तो फ्लैश करके देखते हैं. चलिए इसमें सेकेंड के हिसाब से कलर चेंज होते रहते हैं खुद ही, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. और एक और स्ट्रॉन्ग के नाम से हमें इसके अंदर एक ऑप्शन और मिल जाता है. तो स्ट्रॉन्ग में क्या होता है देखते हैं. यही ऑप्शन काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग का ऑप्शन, यही स्ट्रॉन्ग में हो रहा है. दोनों में सेम ही ऑप्शन है. एक इसके साथ हमें मिल जाता है फीड में देखते हैं. फीड में गाइस थोड़ी सी इसकी ब्राइट कम हो चुकी है और बंद होकर अपने आप ही दूसरा कलर चेंज हो गया, यानी कि दूसरा कलर अपने आप ही बंद होकर चेंज हो रहा है. ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा मुझे फीड का ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिला. एक इसमें देखने को मिल जाता है हमें स्मूथ में देखते हैं क्या होता है. स्मूथ में जो गाइज अपने आप ही कलर चेंज हो रहे हैं, पता भी नहीं लग रहा है कि कलर चेंज होने रहे हैं. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे यहाँ पर कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे इसके दिख रहे हैं मुझे. यहाँ पर अभी ग्रीन हो चुका है और यहाँ पर अब ब्लू, तो गाइज चलिए अब इसको अपने ब्लूटूथ मोबाइल से कनेक्ट करके देख लेते हैं. तो फाइनली मैंने अपने ब्लूटूथ मोबाइल से इसे कनेक्ट कर लिया है ब्लूटूथ ओपन करके. तो चलिए मैं, जैसे कि आपने देखा नोटिफिकेशन आया, इस पर भी बोला नोटिफिकेशन, तो मैं सॉन्ग चला लेता हूँ. We'll be right back.
करना, चैनल को सब्सक्राइब करना हमारे। मिलते हैं अगली वीडियो में।